सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्लीव, लॉन्ग स्लीव की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ कि आप परफेक्ट तरीके से और बिल्कुल ईजी किस तरीके से स्लीव्स काट सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आप हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आपको थोड़ी भी पसंद आते हैं, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाया करें। और आप हमारी अगर रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्लीव्स बनाना। तो फ्रेंड्स, ये मेरे स्लीव्स का कपड़ा है। तो ये जो कुर्तियाँ आती हैं, डिज़ाइनर कुर्तियाँ, उसके साइड में जो कपड़ा होता है वो कपड़ा है। तो इसी की आज मैं स्लीव्स बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कुर्ती है जिसका मैं ये स्लीव्स लगाने वाली हूँ। और इसका मैंने नेक डिज़ाइन का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन देखना है, पीछे से इस तरीके से है और ये आगे से इस तरीके से है, अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्लीव्स काटते हैं। और ये स्लीव्स का जो बॉटम है वो बना हुआ है, ऑलरेडी फोल्ड है, तो हमें इसको नीचे से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है फोल्ड करने के लिए। तो हम सीधा इसको पहले उल्टा करेंगे। ये मैंने उल्टा करके और इसको फोर फोल्ड में रख दिया है इस तरीके से, यहाँ से बिल्कुल मिला के। तो फ्रेंड्स, हमारी जो लेंथ है, मैं पूरी लेंथ ले रही हूँ, वैसे जितना मेरे को चाहिए उतना ही है इसका लेंथ। तो 21 इसका लेंथ है, 21 लूँगी। और यहाँ से आधा इंच सिलाई में भी जाएगा। तो ये वाली जो किनारी का साइड है ये मैं हटा दूँगी काट के, क्योंकि जो और कपड़े होते हैं जिसमें किनारियाँ नहीं होती वो कपड़े खींचने वाले होते हैं और ये कपड़ा खींचता नहीं है, तो ये हमको परेशानी दे सकता है। तो पहले हम इसको हटा लेंगे। अब यहाँ से हम 3.5 लेंगे और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। और फ्रेंड, यहाँ से और यहाँ तक आप इस तरीके से लाइन खींच लें। अगर आपको शेप देनी नहीं आती है जैसे स्लीव्स की, अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप शेप दे सकते हैं। और जो हमारा बॉटम है वो है 10 इंच, तो मैं डबल से 5 इंच लूँगी। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ब्रेस्ट है वो है 44, तो ज़्यादा अगर 44 का जो चौथा हिस्सा वो भी ले सकते हैं, पर वो परफेक्ट नहीं होता है, वो बड़ा पड़ जाता है। अगर आप ब्रेस्ट का 5वां हिस्सा लेंगे तो वो सही होता है। तो 44 का 5वां हिस्सा है 8.8 आएगा, तो मैं यहाँ पे तिरछे में 8.8 लूँगी। यहाँ आ रहा है अब मैं आपको इसका बताती हूँ। ये मार्जिन का हो जाएगा इतना, इसको मिला लेते हैं पहले नीचे से। और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें शेप किस तरीके से देते हैं। इसका सेंटर लेंगे पहले, अगर आप बिगिनर्स हैं तो, वैसे ज़्यादातर लोग तो दे ही देते हैं शेप। तो इसका आधा यहाँ पे आ रहा है 5 पे, तो हम इस तरीके से इसको शेप देते हैं। ये आधा इंच ये गोलाई इस तरीके से जाती है और ऐसे आधा इंच इस तरीके से ऊपर से देते हैं शेप। इसको शेप को अच्छा कर लेंगे हम। और जो फ्रंट का शेप देते हैं वो भी थोड़ा सा इससे ज़्यादा लगता है। ये आ गया, तो इसको काट लेंगे हम। पहले इसको काट लेते हैं। फ्रेंड्स, इधर एक कट दे दे सेंटर में। और अब हम जो फ्रंट का काटेंगे, इस तरीके से काटना है, हमें खोलना है पहले इसको। और इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो सीधे सीधे पल्ले हैं दोनों हमारे अंदर होने चाहिए, उसके बाद ही ये फ्रंट काटिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी
स्लीव की कटिंग। अब हम इसकी करेंगे स्टिचिंग। तो चलिए मैं इसको पहले यहाँ से सिलाई करूँगी, उसके बाद आपको कुर्ती में भी अटैच करना बताती हूँ किस तरीके से आप अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम पहले इस तरीके से सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई लगा ली है, अब हम इसको सीधा कर लेंगे अपने स्लीव्स को। तो फ्रेंड्स, ये हमने सीधा कर लिया है, और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो ज़्यादा कटिंग वाला है, ये हमारा कुर्ती में फ्रंट में आना चाहिए, ये वाला हिस्सा ये फ्रंट में आना चाहिए। तो हमने स्लीव्स को सीधा रखेंगे, और जो अपनी कुर्ती है उसको हम उल्टा करके रखेंगे और अपने स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपना कुर्ता रखा हुआ है यहाँ पे उल्टा करके, और ये वाला जो इसमें ज़्यादा कटा हुआ है, और इसी में स्लीव्स का भी ज़्यादा कटा हुआ जॉइंट होगा। तो ये हमारी स्लीव है, अब हम इसको किस तरीके से इसमें अंदर रखेंगे। हम अपने नेक से होके, ये हमारा नेक है, और इस तरीके से ये आप देख रहे होंगे, ये ज़्यादा कटा हुआ स्लीव्स का, ये इसमें जॉइंट हो जाएगा इस तरीके से। और पहले हम सिलाई से सिलाई मिलाएंगे इस तरीके से। ये हमारी सिलाई से सिलाई मिल गई, अब हम पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो शोल्डर का जो ये जॉइंट होता है, इसको आप पीछे कर लें, इसका मार्जिन बैक में ही जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो कुर्ते का मार्जिन होता है और स्लीव का जो मार्जिन होता है, उसको बैक में हम इस तरीके से ट्रायंगल कर देंगे इस तरीके से, और स्लीव का भी मार्जिन इसी तरीके से कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अपनी दोनों स्लीव लगा ली हैं, और बड़ा ही इजी होता है स्लीव लगाना। तो ये देखिए मैंने इस पे भी लगा ली है और इसमें भी, और बड़ी अच्छे तरीके से लग गई हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो इतनी सी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।